हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज आपका फुल पेपर 2 है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले, तो चलिए बात करते हैं। पहले हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज दिस बिटवीन -1 एंड 1। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। हियर इज योर 0, हियर इज योर 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 टू इन्फिनिटी। और कंजुगेट ऑफ 2 - iota 3 2+iota, ये हमने बहुत बार किया। एन सी आर प्लस एन सी आर -1 इक्वल्स टू n+1 cr। अब ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, अब इन सभी का सम कितना होगा? इक्वल्स टू 1। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक लाइन एल है जिसका इंक्लिनेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री। देन द स्लोप ऑफ लाइन इज √3 राइट ऑन द फोकस। तो ये आ गया आपके पास, ए और सी सेम ही है। तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स। तो आपके लिए ए इंटू ए कर लीजिए, तो ये रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा, 1.a विच इज इक्वल्स टू ए। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होते हैं जिनका यूनियन क्या आ जाता है? सैम्पल स्पेस। तो ये आपके MCQs थे। इसके बाद हमारे पास वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट लॉन्ग आंसर है, बहुत अच्छे से किया सभी स्टूडेंट्स ने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, चलिए ये जो क्वेश्चन है तो इसको बच्चे ऐसे लिखिए, वन नेगेटिव वन माइनस एच, तो दिस इज वन माइनस एच क्या है? लेस देन वन है, तो इसको फिर सब्स्टिट्यूट कीजिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो लेस देन वन के लिए क्या है? ए प्लस बी वन माइनस एच। तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आप लोग शॉर्टकट बहुत करते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी एच। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कीजिए, तो ए प्लस बी हो गया। उसके साथ ही अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स है। तो जब आप x की जगह 1 प्लस एच करेंगे और तो लिमिट h हो जाएगा अप्रोचेस टू 0। 1 प्लस एच किसके इक्वल है? ग्रेटर देन 1। 1 प्लस एच हो गया। तो अब अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ए एच, अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो b माइनस ए रह जाएगा। अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ये सारे आपस में इक्वल है। तो f ऑफ 1 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो अब आप इसको सिंपलीफाई कीजिए, आप लोग शॉर्टकट बहुत करते हैं, शॉर्टकट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये tan है, ये क्वेश्चन अच्छा है, सभी स्टूडेंट ने अच्छा किया इसको। हाँ, एक स्टूडेंट ने इसको ऐसे कर दिया भाई, tan 4x = 6x - 2x। तो इसको बच्चे करोगे कैसे? 4x तो बना लोगे, tan a - b बन गया, लेकिन tan a - b के लिए आप tan a - tan b करोगे अपॉन 1 + tan a tan b। तो tan 6x का फार्मूला कहाँ से लाओगे? तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। आप इसके पास दो तरह से कर सकते हो, tan 3 इंटू 2x के लिए या tan 2 इंटू 3x कीजिए। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला बना लीजिए
तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है आप लोगों ने क्यों हुए इसके हमें, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक किया सब स्टूडेंट ने, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक किया सब स्टूडेंट ने, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, साइन ए माइनस बी, हाँ जी साइन 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग साइन 60 डिग्री माइनस 45 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में ठीक है, डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चन अच्छे हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक है कि वो आप लोगों ने हाँ एक स्टूडेंट ने गलत किया है, इसको हम देख लेते हैं, आपके पास दो पॉइंट्स हैं बच्चे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल नहीं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये आपके पास माइनस वन एंड वन एंड टू एंड फोर, ये बच्चे एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है, तो कंडीशन होती है वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस वाई वन कर लीजिए, वाई माइनस वन विच इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू कितना फोर माइनस वन, माइनस फोर है, टू माइनस फोर है, माइनस फोर माइनस वन, और ये आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस थ्री। अब आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ ये एक स्टूडेंट ने, ये आपके पास ए बी आया है बच्चे अंडर रूट 14, बी सी आया है आपके पास अंडर रूट ऑफ 56 एंड सी ए आया है आपके पास अंडर रूट ऑफ 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक स्टूडेंट ने देखा इसको नॉट इक्वल कर दिया है, तो ये कैसे हो पाएगा, ये कोलिनियर बताना है आपको, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए, तो आपके पास ये अंडर रूट 14 है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है 56, तो विच इज 2 अंडर रूट ऑफ 14, ये 9 अंडर रूट ऑफ 14 कितना आ जाता है 126 आ जाता है, 126 ठीक है, तो ये 3 अंडर रूट 14 आ जाएगा, तो अगर आप देखेंगे ए बी कितना आ जाता है प्लस बी सी, सी ये होता है ए बी क्या है अंडर रूट 14, 2 अंडर रूट 14 एंड ये 3 अंडर रूट 14 है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 3 अंडर रूट 14 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बच्चे ने यहीं पे छोड़ दिया है, उनको नॉट इक्वल कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, पूरा करने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, अच्छा क्वेश्चन किया सभी स्टूडेंट्स ने, ये भी ठीक है। ठीक है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ये हमने कर लिए। हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग आंसर है, एक्स आई एफ आई 25, ये आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। तो जब आपको यहाँ पे मीन करना है, मीन ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन किसके इक्वल है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे एक्स आई और एफ आई है, तो आपको एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई करना है इसको, तभी ये बन पाएगा, ऐसे नहीं होगा, तभी ये मीन निकलेगा। आपने इसको डायरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने इनको बना दिया, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक सिंगल सिंगल टर्म है। अब यहाँ पे टू कितनी बार रिपीट हो रहा है, टू रिपीट हो रहा है, टू टाइम्स, फाइव रिपीट हो रहा है, एट टाइम्स, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी।
इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका ध्यान दीजिए। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको स्मूथनेस में लाइए। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, डोमेन एंड रेंज में थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा आराम से कीजिए इसको। जैसे आपका है एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर डोमेन मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपके लिए कंडीशन क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो भी स्टफ है ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर के आगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तभी रिजल्ट डिफाइंड हो पाएगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दो का प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, तो दैट मीन्स अगर दो सम दो कंडीशंस है, दैट मीन्स डॉट प्लस ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। और नेगेटिव का प्रोडक्ट करेंगे ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। तो दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स यहाँ पे जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 3 है। और दूसरा कंडीशन आ गया आपके पास इन दोनों को हमने कंबाइन किया ये रिजल्ट आ गया। दूसरा आ गया आपके पास दोनों नेगेटिव है अगर, तो 3 प्लस एक्स आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड 3 माइनस एक्स भी आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 एंड एक्स ग्रेटर देन माइनस 3, ये आपका माइनस 3 है, ये 0 है, ये आपका 3। एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 ये आ गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 ये आ गया। तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इसके आगे यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे माइनस 4 आ गया। एक भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो 9 माइनस 4 स्क्वायर, तो 9 माइनस 16, तो माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। तो ये कंडीशन आपकी नहीं है पॉसिबल। तो दिस इम्प्लाइज डोमेन बन गया आपके पास, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस 3 एंड 3 इंटरवल, और यह लेस देन इक्वल्स टू है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। उसके बाद आ गया आपका रेंज। रेंज के लिए क्या कंडीशन है, नाउ योर एक्स जो है एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस 3 से 3, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि नेगेटिव कंडीशंस खत्म हो जाएंगे, तो रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही कंडीशंस पॉसिबल रहेंगी। अब आपके पास रिजल्ट चाहिए रेंज का, रेंज क्या है वाई इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया। तो अगर आप दोनों तरफ 9 पहले माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो अगर आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 9 तो यहाँ अगर आप इसको ऐसे समझिए तो एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इनके दोनों तरफ अगर पहले अपने मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 किया, अब आप करिए ऐड बाई 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9।
तो अगर आप इसका अंडर रूट करते हैं, क्योंकि वाई क्या है, ये है आपके पास अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x, 9 माइनस x2 तो आ गया। अब जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो दोनों तरफ होगा, तो ये आ जाएगा। अब इस पूरे को आप वाई समझ सकते हैं, दैट मीन्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है, दैट मीन्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास रेंज। एक और क्वेश्चन है आपके पास, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ये आपका मिसलिनियस है, फाइंड द रेंज। तो आपके लिए अगर ये कंडीशन है तो रेंज कैसे होगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज दोनों। ठीक है, तो डोमेन के लिए आपको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये अगेन अंडर रूट के अंदर है, तो फॉर डोमेन क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो रिजल्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है ये वाला रिजल्ट, तब भी रिजल्ट आपका डिफाइंड हो पाएगा, दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट इज एक्स जो है 0 माइनस 1, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 के राइट साइड पे है, एक्स बिलोंग्स टू 1 to infinity। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो लार्ज ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, और अब आ जाएगा फॉर रेंज। रेंज के लिए क्या है कि x आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, आपको चाहिए रेंज। रेंज क्या है, वाई बिलोंग्स टू, वाई किसको बिलोंग करता है, अगर आप x माइनस वन करते हैं, x माइनस वन तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वन को आप शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसका अंडर रूट अप्लाई करते हैं तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन कितना आ जाएगा, दैट मीन्स अब ये पूरी कंडीशन जो है ये वाई के इक्वल है आपकी, दैट मीन्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज वाई बिलोंग्स टू 0 to infinity, यही है। अगर आपका ये वाई एक्स, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1, तो वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ऐसे ही। तो ये आ गया आपका रेंज। तो ये आपके पास कुछ दो क्वेश्चन हैं जिनका डोमेन एंड रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो इनको सॉल्व कीजिए, और कोई अगर कॉम्प्लेक्शन है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। चलिए बच्चे, थैंक यू, इनको आप अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास।